स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से लोग दहशत में हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड, चट्टाने खिसकने, बादल फटने या फिर बाढ़ जैसे हालात से लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। पिछले तीन दिनों में 55 लोगों की भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में मौत हो गई है। 950 से ज्यादा सड़कें जगह जगह से बंद पड़ी है। इससे 2100 से ज्यादा रूटों पर परिवहन सेवाएं ठप हो गई है। लोगों का इन दिनों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी दूभर हो गया। चंडीगढ़ मनाली, शिमला धर्मशाला, पामंटा, शिलाई और मंडी नेशनल हाईवे भी जगह जगह लैंडस्लाइड से बंद पड़े हैं। कुछ एक स्थानों पर हाईवे जरूर बहाल कर दी गए हैं, मगर पूरे हाईवे पर बार बार लैंडस्लाइडिंग हो रही है और इस वजह से वो डराने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही है, जो कि इस वक्त फर्स्ट इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं। ये तस्वीर दरअसल एक शिव मंदिर की है, जो कि देखते ही देखते चट्टान खिसकने की वजह से, क्योंकि लगातार बारिश जारी थी, वो लैंडस्लाइड की वजह से गिर गया, ढह गया, मिट्टी में दब गया, चट्टानों के बीच दब गया और उसमें कई परिवार के लोगों की मौत हुई है। कई परिवार, क्योंकि सोमवार का दिन था, भगवान शिव की आराधना करने के लिए सावन के महीने में शिव मंदिर लोग पहुंचे थे। परिवार के परिवार इस दुर्घटना का शिकार हो गए। कुछ लोगों के शव निकाल लिए गए हैं, कुछ का रेस्क्यू जारी है, लेकिन उस रेस्क्यू में भी ये तेज बारिश बाधा बन रही है। अब तक तबाही के सभी मंजरों के बीच जब ये तस्वीरें सामने आई, जब बड़ी बड़ी इमारतें चंद सेकंड में जमींदोज बारिश के चलते हो रही है, लोगों को काफी डर है इसका। इसके ऑपरेशन शुरू कर दिया था, तो अभी लगभग जो हमारा आंकड़ा है, जो लोकल लोगों से कुछ कंफर्म हुआ है, उसके हिसाब से 21 के आसपास ये बताया जा रहा है कि 21 के आसपास यहाँ पे बॉडीज़ हो सकती हैं, जिसमें से जो 12 बॉडीज़ हैं वो हमने पिछले जो दो दिनों में रिकवर की है। तो अभी हमारा ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो आज भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ हमें इसमें बॉडीज़ मिलेंगी या जो कुछ लोग मिलेंगे जिनको हम अच्छे से रेस्क्यू कर पाएंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है, हम पूरी तरह से जो अपनी टीम्स हैं, जिसमें हमारे NDRF के लोग हैं, SDRF के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, यहाँ पे लोकल पुलिस है, होम गार्ड है, उन सभी की सहायता से जो है ये सारा कार्य किया जा रहा है। जो सेकंड दौर का ये बारिशें रही और इसमें बहुत नुकसान हुआ, जैसे पिछले दो दिनों में तकरीबन 60 से ऊपर जो आंकड़ा मौत का हो चुका है, ख़ासतौर पे शिमला में जो समर हिल में शिव बॉडी में जो दुर्घटना हुई उसमें 14 डेड बॉडीज़ अभी तक निकली हैं और अभी वहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है और भी उम्मीद है कि अभी 10-12 लोग और हो सकते हैं और ये आंकड़ा जो है 60 से ऊपर हो चुका है। जिस तरह से ये अचानक प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश को सहनी पड़ी है, मैं समझता हूँ कि मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में खुद फ्रंट लाइन में आकर जो है इसका मॉनिटर कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने सड़कों की बात करी, तो बहुत सी सड़कें जो है इससे प्रभावित हुई थी, सड़कें टूटी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश से और विभाग के जो अधिकारी हैं दिन रात काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट तौर पर निर्देश है कि कोई भी जो सड़क जो है वो उसकी जो सुविधा है और वो बंद नहीं होनी चाहिए और उसकी सुविधा आमजन को मिलनी चाहिए।